हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ भट की चुड़कानी, भट की दाल की चुड़कानी। मैं ये कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसमें ले रही हूँ भट की दाल धुली हुई। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है साफ करके। और यहाँ मैंने ले लिए थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से लहसुन, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और 3 स्पून चावल का आटा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे पैन और मैं गैस करती हूँ यहाँ ऑन। मैंने इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा रिफाइंड, इसे थोड़ा गर्म होने देती हूँ यहाँ। तो दोस्तों मेरा तेल यहाँ गर्म हो गया, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा। मेरा यहाँ जीरा भून गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ। इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है लहसुन का, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है चुड़कानी में। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। इसे अच्छे से हिला लेती हूँ जब तक थोड़ा सा प्याज ब्राउन कलर का हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी भट की दाल भूनने के लिए। यहाँ मेरे प्याज का कलर ब्राउन हो गया है हल्का हल्का सा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, इसमें हींग भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मसाला। इसमें है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और घर का पिसा हुआ लौंग, काली मिर्च का मसाला। चटनी लगी है इसका मतलब कि हमारी दाल में पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा 3 स्पून लिया है मैंने ये चावल का आटा। इसको मैं अच्छे से इसके साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी इसको। मेरा यहाँ आटा भी भून गया है बीजों के साथ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैंने मसाले लिए थे और इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा नहीं तो इसमें काटे कर जा। दोस्तों मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब मेरे ये दाने भी अच्छे से चटक चुके हैं, पक चुके हैं और इसमें मसाला भी मेरा भून गया है, आटा भी मेरा ऐसे भी हो जाएगी तैयार। इसमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी होती है, बहुत अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छी दाल होती है, हेल्दी होती है, इसमें खूब प्रोटीन होता है इस दाल में। यहाँ मेरी तो दोस्तों यहाँ मेरी चुड़कानी पक चुकी है अच्छे से। अब लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी कुछ धनिया की कटी हुई पत्तियाँ कि मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, मैं इसमें नमक मिर्च बाद में डालूँगी क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, अपनी बेटी के लिए भी। इसमें मैं मिर्च लास्ट में डालूँगी। तो दोस्तों मेरी यहाँ तैयार हो गया है आज के लंच की थाली। ये देखो इसमें है मूली, ये है मेरी बनाई हुई चुड़कानी और ये है थोड़ा सा भात। और मौसम हो रहा है बहुत ख़ास, यहाँ मैं इसको बैठ के खाऊंगी। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।